मुझे बताओ कि मामला क्या है। अब भी चेतन जी, ये मेरा भाई गैर कानूनी तरीके से उनको बच्चे गोद देना चाहता था। इसको पहले ही मैंने जान से क्यों नहीं मार डाला? तरीका जा भैया, जा। माता रानी की मूर्ति यही तो चाहिए थी मुझे। ये मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है। माता रानी बचा सकती है तुझे और तेरी प्यारी बहन को मेरे भुल्ला से। हैप्पी बर्थडे टू यू ईरा। लाल परी, कैसी है लाल परी? आंख बंद कर, हाथ निकाल, आप आंखें खोल ले। पर ये मेरे लिए क्यों? मेरा थोड़ा ना जन्मदिन है। तो क्या, मीठा खाने के लिए जन्मदिन होना जरूरी थोड़ी होता है? देखो अच्छा लगता ना के? खा गुड़िया खा, शौक से खा। ऐसा खा जैसे कि ये तेरा आखिरी केक हो। क्या पता कल हो या ना हो। और तेरी कमजोरी क्या है? हीरा। तूने मेरा केक क्यों फेंका? हीरा इसमें इसमें जहर है। जो मासी तुझे देना चाहती थी। ये क्या कह रही हो ईशा? मैं सच कह रही हूँ चेतना आंटी, मासी ने आपसे झूठ बोला। भोला से खतरा नहीं, मासी और भोला मिले हुए थे, मिले हुए हैं। वो मेरी हीरा को, उसे छीनना चाहते थे, इसलिए तो इन्होंने इस पेस्ट्री में जहर मिलाया है। देवकी, ये बच्ची क्या कह रही है? मैडम जी, बच्ची है, उसको वहम है। ठीक है, मैं इसका वहम दूर करती हूं। अरे कुछ हुआ मुझे? नहीं ना, कोई शक है मेरे ऊपर? देवकी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? नहीं चेतना जी, भोला की दीदी होने की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए ना। बच्चे तो बेचारे मासूम है, उनको पता है भोला खराब है, तो वो लोग समझ रहे कि मैं भी खराब हूं। अब आप ही बताइए मैडम जी,
जरूरी तो नहीं है ना कि एक माँ के कोख से है तो एक जैसे ही होंगे। ईशा, देवकी मासी से माफी मांगो। नहीं जितना जितना मुझे इनका दिल जीतना होगा, मुश्किल होगा पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। आखिरकार मेरे कोख से जने तो नहीं लेकिन मेरे मेरे बच्चे। ईशा माफी मांगो, मुझे मुझे माफ कर दीजिए मां से। कोई बात नहीं बेटा, सदा सुखी रहो। हैप्पी बर्थडे। अब खुशी खुशी अपना जन्मदिन मना। चलो ईसा बेबी, तू क्या लिखेगी मेरी किस्मत? किस्मत तो मैं तेरी लिखूं। आगे आगे देख होता है क्या। अरे अरे ध्यान से, जरा ध्यान से। चलो चलो बच्चों, वेफर्स और बिस्किट के साथ साथ ठंडा भी आ गया। टूट पड़ो। देख ईशा, जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। ईशा, आज तेरा जन्मदिन है, मस्ती कर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे वजह से पार्टी का पूरा मजा ही चौपट हो गया। पार्टी का मजा अब आएगा जी। दिल के सच्चे, अकल के कच्चे, पतले मोटे छोटे बच्चे, सबको हंसाने रंग जमाने, महफिल सजाने तुमको हंसाने, हाथ मुंह धोकर तैयार होकर, दांत मुंह खोलकर। जोकर। अरे वाह, ये जोकर को किसने बुलाया? बहुत मजेदार है। देवकी? देवकी बात नहीं, नहीं। इन्हें तो कैलेंडर चाचा ने बुलाया था। मैंने? आप ही ने तो बुलाया था। मैंने मैंने अब इस जोकर के साथ आप लोग एक बहुत ही मजेदार खेल खेलोगे। ये खेल बहुत ही आसान है। देखो, बिना बोले सिर्फ हाथों से इशारा करके किसी पिक्चर का नाम बताना है और फिर सामने वाले को बताना है कि पिक्चर कौन सी थी। क्या? देखो, पहले हम करके बताते हैं। आप आइए। अब मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊंगा और आपको बताना है कि पिक्चर कौन सी थी। I love you.
हम भी। सही जवाब। पिक्चर का नाम था आई लव यू। मैं सब समझ गई। चलो अभी खेल खेलते हैं। सबसे पहले दो टीमों में बंटते हैं। ठाकुर कटिंग चुटकी पहाड़ सिंह बागा और बाकी सब उस टीम में और हम लोग इस टीम में। ठीक है पहले तू भी। अरे वाह जोकर ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा एक बात तो बताओ कुछ पैसे वैसे की बात तय हो गई कि नहीं? नहीं जी हमको पैसा नहीं चाहिए। हमें तो जो चाहिए था वो हमें मिल गया। जोकर है ना जी तो जरा घुमा फिरा कर बात करते हैं। हमारा मतलब हमें बस खाने दे दीजिएगा हमारे लिए काफी है। वैसे भी ये काम हम शौक से करते हैं हमें इसमें खुशी जो मिलती है। झगड़ना नहीं। अच्छा मैं अंपायर हो जाती हूँ मैं तय करूंगी कोई अच्छे से खेल रहा है या चीटिंग कर रहा है। ठीक है संभाल लूंगी। अर्जुन तुम ना बिल्कुल पागल हो। क्यों क्या हुआ हमारे मानसिक संतुलन को? कुछ नहीं तो जोकर बनकर आ गए। जहां तक हमें स्मरण है आप ही ने हमको फरमान दिया था कि मैं आपसे मिलने का कोई रास्ता निकाले। यहाँ पर इतने बच्चे हैं सब इतने प्यारे हैं पर क्या पर तुम हम क्या पर तुम्हारे साथ अलग किस्म का रिश्ता है अलग सा अपनापन। वैसे हमारे मन मंदिर में भी कुछ ऐसे ही विचार विराजमान है। एक बात कहें वृंदा जी कभी कभी हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर आती है। कैसी तस्वीर? बड़ा मनोरम दृश्य है पीछे बर्फीले चोटी वाले पहाड़ और उसके सामने छोटा सा सुंदर सा घर और उस घर की खिड़की में से झांकते हुए दो चेहरे एक हम और एक आप। तुम्हें पता है मैं भी बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर देखती हूँ सपनों में। अरे दो प्राणी और एक सपना। सच्ची ये देखो हमारी तो सोच भी एक जैसी है और सपने भी। हमारा ये सपना सच होगा? जरूर हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस, नेक्स्ट। अच्छा, अब पहले नजर की बारी। हाँ।
क्यों चाहिए ना? आसान फिल्म देना है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। कैलेंडर खेल का ये नियम है, जो पिक्चर का नाम है वो तो करके दिखाना ही पड़ेगा। चलो अब पागल। नागिन नागिन चुड़ैल। ऐसा नहीं कहते, कोई बात नहीं चेतना जी, बोला कि बहन होने की कीमत तो मुझे देनी पड़ेगी। लेकिन सही, मेरा दिल बहुत दुख गया। देखा तुम सबने, तुम सबने अपनी देवकी मासी का दिल दुखा दिया। तुम्हारी देवकी मासी बिना खाना खाए चली गई। नहीं चेतना आंटी, मेरे जन्मदिन पर कोई बिना खाना खाए नहीं जा सकता। मैं उन्हें अभी बुलाकर लेकर आती हूँ। दीदी सजा खून खोला मन का पूरा आश्रम जला के सोना। सबर कर सबर, मैं सबर करूँ क्या? सब्र करो, ऐसे में सब्र कैसे कोई सब्र करे? दीदी आपने धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। क्यों बाबा? सुन 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 भूला, देवकी मासी के कमरे में तो ताला लगा था, लेकिन वो है कहाँ? शुक्र मना कि मैंने मामले को संभाल लिया, ये तो मैं भी तेरी तरह अंदर जेल में होती। इसे मामले को संभालना कहते हो? दीदी ये मामले को संभालना होता है? मुझे बाहर निकाल दिया, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं साला बाहर हूँ, इस मामला के समझ गया। कम से कम मैं तो हूँ ना अंदर। मैंने तुझे मारा नहीं बच्चे, मैंने तुझे बचाया बचाया। ये तुझे क्या लगता है ये पुड़िया साली, तुझे छोड़ देती अंदर करती तुझे जेल में? ये तो मैंने ना बस ऐसे हो हल्ला करके तेरे को दो चार थप्पड़ मार के मामला निपटा दिया। इन बच्चों को ना, इन कीड़े मकोड़ों को सारा मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो मैं अपने हाथ और तेरा दोनों गर्दन मरोड़ दूंगा, एक एक गर्दन मरोड़ दूंगा। मेरा भी मन करता है बाय गॉड की टेट को दबा दूं, लेकिन अब वक्त नहीं है ऐसे करने का। मैं बदला लूंगी, जरूर लूंगी, और खास तौर से उस ईसा से। दो टके की लड़की, मुझे पता है उसी ने फोन किया था राजू स्कूटर को। अरे इस ईसा को तो रेडी में कुचल दूंगा। देख, ईसा को मारने से वो मरेगी नहीं, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको अपनी जान की परवाह नहीं है। उसकी आत्मा किसी और में अटकी हुई है। क्या मतलब दीदी? अगर ईसा से बदला लेना है ना, तो कुछ कांड कर दो ईरा के साथ। क्या मतलब? मतलब मौत से ज्यादा दर्दनाक होगा उसके लिए। कांड क्या करूं? कौन? तू ईरा को उठा ले,
और ईसा से दूर ले जा। अभी तक हम लोग भुल्ला डॉलर के लिए उठवा रहे थे ना, तो ये समझ अब हम बदले के लिए उठवा रहे हैं। दूर कर दे ईरा को ईसा से, फिर उसकी होगी हार और हमारी होगी।